है। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, शेयर्स एंड डिविडेंड, सुना है नहीं? सुना है नाम? आई थिंक जो कॉमर्स के फील्ड के होंगे बच्चे, उन्होंने सुना होगा शेयर्स क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। पता है क्या? नहीं पता है, बताओ जरा पहले फटाफट से। अच्छा, अभी इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, मे बी बहुत सारे लोगों को तुम्हारे में से किसको पता भी नहीं होगा शेयर्स का मतलब क्या होता है। मैं तुम्हें एकदम डिटेल में पहले पूरा एक्सप्लेन करता हूँ शेयर्स का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है? ओके, तो तुम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे इसको, ऑब्जर्व करेंगे जो तुम बताऊंगा मैं। ओके गाइस, जब भी वर्ड शेयर आता है ना, शेयर, शेयर मतलब होता है शेयरिंग, याद रखना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना कुछ चीजों को। अब एक एकदम सिंपल लॉजिक से बताता हूँ मैं तुम्हें, एकदम सिंपल लॉजिक से। सपोज मेरे एक छोटी मोटी कंपनी है, मान लो मेरे एकदम छोटी मोटी सी कंपनी है मेरी। आज पूरा समझना है आपको ये, फिर आपको ये चैप्टर के बारे में थोड़ा समझ में आ जाएगा। मेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कंपनी है मेरी, ठीक है? अब मुझे इसको करना है बहुत बड़ा, ठीक है? और मुझे कम से कम, तो भी पकड़ के चलो 5 से 10 करोड़ रुपीज मुझे कम से कम चाहिए ये कंपनी को थोड़ा सा और ऊपर लेके आने के लिए। अब बैंक से मैं लोन लूँ, बैंक से ले सकता हूँ लोन, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बैंक दे भी देगी लोन, क्योंकि मेरा उसका प्रीवियस स्टेटस मेरा अच्छा है, मेरी कंपनी भी अच्छा कर रही है, बट मुझे इसको और एक ऊपर के लेवल पे लेके जाना है, ठीक है? मेरी कंपनी अगर मुझे कोई मशीन लग रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा लेबर्स लगने वाले हैं, तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मतलब मुझे पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए मुझे। फाइनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं कहाँ से, अगर ये नहीं मिला तो मेरी कंपनी को मैं ऊपर नहीं लेके आ सकता, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इट्स वेरी सिंपल गाइस, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे कंपनीज में मैं आप लोगों को पार्टनर बनाता हूँ, आप लोगों को, ठीक है? आप जैसे बहुत सारे लोगों को पार्टनर बनाता हूँ मैं, ठीक है? लेकिन भाई एक या दो या तीन पार्टनर या 10 पार्टनर या 50 पार्टनर मिलके, ये मेरे लिए, अगर मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, 5 CR चाहिए, वो बना नहीं सकते 5 करोड़ रुपए। सब लोग इतना ढेर सारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को छोटा छोटा पार्टनर बना देता हूँ। मतलब सपोज आपने बोला, एक जन ने बोला यहाँ से कि भाई मैं कंपनी में, कंपनी बहुत अच्छा कर रही, मैं 10,000 डाल देता हूँ मैं, ठीक है? एक जन बोलेगा चलो ये कंपनी में मैं 50,000 डाल सकता हूँ मैं। एक जन बोलेगा चलो मेरे पास तो काफी अच्छा सारा पैसा पड़ा है, और कंपनी अच्छा भी करे, मुझे बहुत प्रॉफिट दे सकते आगे के टाइम में, तो मैंने 5 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है? वैसे कर करके मेरे पास पैसा जमा हो गया। अब ये पैसों करता क्या हूं मैं, वो होता है शेयर्स। शेयर मतलब होता है शेयरिंग करना, ठीक है? किसी और को बिजनेस का पार्टनर बनाना, ठीक है? उनका बेनिफिट क्या होता है मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताना शुरू करूंगा, ठीक है? अब हमने तो इन्वेस्टमेंट कर, तुम सब लोगों ने मिलके इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है? अब वो पैसों का मैं क्या करूंगा, पैसा लूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं उसका मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जैसे कि सपोज मेरी जूस इंडस्ट्री है, तो मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, एप्पल खरीदूंगा, फिर कैन खरीदूंगा, कैन बनाने के लिए मशीन लेके आऊंगा, लेबर्स लगाऊंगा, मार्केट में एडवर्टीजमेंट करूंगा उसका, तो वो पैसा वहां पे इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? फिर आप जैसे बायर्स आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे, मैं चीजें बहुत पसंद करेंगे, परचेस करना शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ ऊपर जाएगा, ऊपर जाना शुरू करेंगे मेरा ग्राफ, तो मुझे प्रॉफिट मेरा बढ़ते जाएगा। जैसा मुझे प्रॉफिट होगा गाइस, वैसा मैं आप लोगों को उतना प्रॉफिट दूंगा जितना आपने उस कंपनी के अंदर पैसा डाला है, उसके हिसाब से दूंगा। आपने अगर 10,000 दिया है तो उसके हिसाब से मैं आपको प्रॉफिट दूंगा जो मैंने कमाया है। जिसने 5 लाख रुपए डाले और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो उसके हिसाब से मैं दूंगा, वो होता है शेयर्स। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर है? कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो इसमें। अगर आप लोगों को शेयर का मीनिंग अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे वैसे प्लीज पूछ लो, कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी गाइस। पूछना है किसी को? नहीं? पक्का 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 पक्का, ठीक है? देखो अगर आप लोगों को समझ जाता है तो वहां पे आपका ऑप्शन होता है थम्स अप करने का, तो आप स्क्रीन पे थम्स अप कर सकते हो। अगर नहीं समझा तो हैंड रेस करने का भी आपके पास देखो ऑप्शन, अगर थोड़ा सा आप खेलोगे उसके साथ तो आपको समझेगा ये। ओके फाइन नाउ, तो मैं एक्सपेक्ट कर, सब लोगों को समझ में आया है। तो शेयरिंग मतलब होता है कोई भी आदमी को, कोई भी आम इंसान भी, आम इंसान भी आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है बाय इन्वेस्टिंग सर्टन अमाउंट। कोई
कोई बोलता है ना भाई मैंने 1,000 रुपए के शेयर डाल दिए, कोई बोलता है मैंने 10,000 के शेयर डाल दिए, अरे मैंने इसमें तो 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की। तो मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट कर भाई, कोई 500 को भी, डिपेंड करता है कि वो एक शेयर की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से लोग अपना अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंपनी के अंदर, ठीक है, फाइन, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, ये हो गया हमारा शेयरिंग, ठीक है, फाइन। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट चीजों पर जाते हैं, मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा गाइस। देखो सबसे फर्स्ट आपको जब टेक्स्ट बुक मिलेगी, आप टेक्स्ट बुक में छान मार लेना, ये चैप्टर में शेयर्स एंड डिविडेंड आपको कहीं पे फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है, आपको शेयर्स और डिविडेंड कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलने कि मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, फॉर्मूला बना के दूंगा आप लोगों को। और सेकेंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की टेक्निक है, ठीक है, आप लोगों को पहले मैं सिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे, तो एक पूरी स्टोरी समझाऊंगा आपको मैं, उससे रिलेट करके दिखाऊंगा फॉर्मूला कैसे बने। तो आज हमें स्टोरी समझनी है और वो स्टोरी से रिलेटेड हमारे फॉर्मूला कैसा है वो समझना है, तो एकदम सिंपल लॉजिक, ठीक है, फाइन। ओके, आप सुनो, यहाँ पे ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये समझ लिया तो आई डोंट थिंक सो फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे समझने हैं इसके। ओके, सो दैट्स गो गाइस। ओके, सबसे पहले देखो, मेरे जैसा एक हैंडसम बंदा है वहां पे, ठीक है, ओके, और वहां पे मेरे पास, अब मुझे, मेरे पास है थोड़ा सा पैसा, मेरे पास आई हैव लॉट ऑफ मनी, थोड़ा बस थोड़ा सा मतलब सेविंग्स विंग्स है, तो मुझे किस सजेस्ट किया कि भाई तू इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर लेता है भाई, कहीं तो भी शेयर्स में डाल दे, पैसे पैसे हैं तुझे मिल जाएंगे थोड़े। तो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चनिंग राउंड था कि भाई मेरे पास पैसे तो है लेकिन कौन से शेयर्स में डालूं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो यहाँ से मैं ढुचुक ढुचुक करके चल पड़ा शेयर मार्केट में, मैं शेयर मार्केट में चला गया, ठीक है, मुझे कहीं तो भी शेयर मार्केट दिख गई। शेयर मार्केट में मुझे वहां पे कुछ एक बंदा मिला, ठीक है, एकदम मस्त लाला था वो, लाला मतलब पेट भी एकदम मस्त मोटा था उसका, ठीक है। तो ये आदमी जो था वो था एजेंट, ठीक है, एजेंट इन अ सेंस जिसको शेयर्स के बारे में पता है कि शेयर मार्केट में फिलहाल कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर अच्छा कर रहा है, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था भाई, तो इसके पास में गया, उसने बोला कि सर मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा पूरा, ठीक है, और वहां पे इन्वेस्टमेंट करना जहां पे मैं आप लोगों को आपको सजेस्ट करूंगा मैं। तो मैंने पूछा कि भाई तू क्या लेगा, अगर तू मुझे, अगर मुझे सजेस्ट कर रहा है तो व्हाट यू विल चार्ज। तो वो बोलता है ठीक है सर आप जितना भी शेयर खरीदोगे ना तो उसका 2% मुझे दे देना, जो भी आप खरीदोगे उसका 2% मुझे दे देना, ऐसा उसने, इस एजेंट ने इसको बोला, मतलब मुझे बोला, ठीक है, फाइन। ओके, तो मैं बोला ठीक है भाई, तो मैंने आंख पे पट्टी बांध ली और मैंने बोला भाई ये जो बता रहा है वो सही बता रहा होगा बिकॉज उसको बहुत सी चीजें पता होगी, तो मैं उसके पीछे भी चल दिया मैं, ठीक है। और उसने बोला कि सर ये कंपनी कंपनी दिखाया, मान लो उसने मुझे टाटा की कंपनी दिखाई है, टाटा स्टील बताया उसने कि अच्छा कर रही है सर आप उसमें डाल दो पैसे, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई मेरे पास है 10,000 रुपए, ठीक है, तो 10,000 के चलो मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ। तो मैंने सोचा तो मेरे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए और इन्वेस्टमेंट, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास 10,000 रुपीज, कितने मेरे पास 10,000 रुपए है मेरे पास, ठीक है, फाइन। सो अभी इसके अंदर क्या होता है कि मैं 10,000 रुपए तो इन्वेस्टमेंट करने चला गया वहां पे, ठीक है, और उसने मुझे बोला कि सर टाटा, जो टाटा स्टील जो कंपनी है, ठीक है, उसकी एक शेयर की कॉस्ट, मतलब जो मार्केट प्राइस है अपने पास, ठीक है, एक शेयर की जो कॉस्ट है उसकी है 100 रुपए, कितनी हमारे पास 100 रुपीज है भाई एक शेयर की कॉस्ट, मतलब मार्केट प्राइस उसका उतना है। मैं बोला ठीक है भाई चल भाई मैं पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ उसके अंदर, मैं दे देता हूँ तुझे, ठीक है। तो और मुझे बताओ ये एजेंट ने मुझे कितना चार्ज किया, ब्रोकर कितना चार्ज किया उसने, मुझे 2% मेरे से लिया उसने, हर एक शेयर पे ब्रोकर ने मेरे पास से 2% लिए गए हर एक शेयर पे, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे मैं तुम्हें एकदम सिंपल सा एक लॉजिक बताऊंगा, एकदम ध्यान से देखना गाइस, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सबसे पहले
मैं मार्केट में गया, मैंने वो एजेंट को पकड़ा, एजेंट ने बोला ठीक है भाई मैं आपको हेल्प करता हूँ, लेकिन जितना भी आप शेयर्स खरीदोगे ना भाई, जो भी, ठीक है, जो भी शेयर की कॉस्ट होगी उसका 2% मेरे जेब में आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2% मेरे जेब के अंदर आना चाहिए। ऐसा किसने बोला मुझे? एजेंट ने मुझे बोला। मैं बोला ठीक है भाई, तो मतलब मैंने 2% किस पे, 2% ये मार्केट प्राइस पे 2% मैंने एजेंट को दिया। तो मतलब यहाँ पे ब्रोकर वालों कितना मिला, देखो ब्रोकर पेड कितना आ जाता है, 2% ऑन रुपीज वॉट 100, बराबर। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, दिस इज 2/100 × 100, ये परसेंटेज है ना, तो 2/100 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो ये कट करूंगा अच्छे से, मैं कितना आ जाएगा, 2 रुपए। मतलब हर एक शेयर के पीछे मैं उसको 2 रुपए ब्रोकर को दूंगा। क्या सब लोगों को यहां तक समझ में आया है क्या, तो मुझे बताओ, समझाए गाइस? कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ सकते हो गाइस, यू कैन आस्क मी। ओके चलो, वेरी गुड, ना तो तुम्हें समझा। आपने हाँ बोलो, पूछो पूछो। वो 2/100 × 100 जो लिया है ना, हाँ तो 100 की जगह पे कौन सा भी दूसरा नंबर भी हो सकता है ना? नहीं, देखो ये 2% जो हम ब्रोकर को दे रहे हैं वो किस पे दे रहे हैं, मार्केट प्राइस पे, जो तुम्हारे, मतलब हाँ जो मार्केट प्राइस, जो कि 10 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी रहेगा वो यहाँ मिला। हाँ, हाँ, वहां पे अलग हो सकता है, करेक्ट करेक्ट, कौन सा ब्रोकर? कौन सा भी, कौन सा, ठीक है। हाँ इधर 2% भी कुछ भी हो सकता है, मतलब वो 5% ही मान सकते हैं, 6% मांग, डिपेंड करता है, वो जैसा बोलेगा वैसा करना है, ठीक ओके है। ओके फाइन, तो मतलब यहाँ पे मेरा फर्स्ट फॉर्मूला जो आता है, दैट इज दिस, ब्रोकरेज पेड किस पे पेड होता है, परसेंट ब्रोकरेज पेड ऑन क्या होगा, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे, ठीक है, क्लियर है। देखो फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो मतलब मैंने वो एजेंट को 2 रुपए दिए हर एक शेयर के पीछे, कितने रुपए दिए मैंने उसको, 2 रुपीज दिए मैंने उसको हर एक शेयर के पीछे, मैं 2 रुपए दिए, ठीक है। तो अभी एक सिंपल लॉजिक बनता है, मैं तुम लोग कुछ पूछना चाहता हूँ गाइस, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे चेक करोगे मार्केट प्राइस है 100 रुपए, उसमें से ब्रोकर को मैंने भाई दिए 2 रुपए, तो वो एक शेयर मुझे कितने में पड़ा फिर, 100 रुपए भी दिए 2 रुपए भी दिए, तो कितने पड़ा वो शेयर मुझे, कितने पड़ा, 102 हाँ 102 रुपीज का मुझे एक शेयर की कॉस्ट प्राइस पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने अपने जेब से, मैंने अपने पॉकेट से निकाला, 2 रुपए इसको दिए, 100 रुपए इसको दिया, तो मतलब जो शेयर मैंने खरीदा वो 102 रुपए में एक खरीदा भाई मैंने, समझ में है। सो मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास, दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शेयर अगर निकाले हम, तो क्या हो जाती है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितनी, 100 रुपीज, ब्रोकर को दिए 2 रुपए, तो मतलब मुझे एक की 102 रुपए पड़ी, समझा ये। सो मेरे पास सेकेंड फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शेयर इक्वल्स टू ब्रोकरेज पेड प्लस मार्केट प्राइस, ऐसा। सबको समझाए ये, कुछ कंफ्यूजन तो मुझे बताओ गाइस, एनीवन एनीवन एनीवन, क्लियर एकदम, चलो वेरी नाइस। कॉन्सेप्ट क्लियर करो गाइस, बाकी तो तुम्हें आ जाएगा ये, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। अभी देखो, तो भाई मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं शेयर्स खरीदने के लिए, ठीक है, तो मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है, तो 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए। अब मुझे बताओ गाइस, एक शेयर की कॉस्ट प्राइस कितने बड़ी, मुझे 102 रुपए पड़ी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल लॉजिक बताऊंगा, मुझे उसका आंसर बताना, ठीक है। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस, अगर एक चॉकलेट की क्रॉस प्राइस अगर आपके पास 100 रुपए है, एक चॉकलेट के आपके पास कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, सौ रुपए है, ठीक है, और
मैंने 1000 रुपीज चॉकलेट्स ली है, 1000 रुपीज की, तो कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स लिए, नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने लिए जरा बताएगा कोई, बताएगा कितने लिए? 10। क्या किया तुमने, 1000 रुपए के चॉकलेट्स और एक चॉकलेट कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए, तो कट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 10। सो 10 चॉकलेट्स खरीदी, राइट। सिमिलरली मुझे यहाँ पे देखना है भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे मैंने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे, तो क्या करूंगा, कितना सिंपल है, 10,000 रुपए जो मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर डालूंगा, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस जो एक शेयर की पड़ी वो 102 डालूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है, और इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा। गाइस आप लोगों को कैलसी अलाउड है, याद रखो कैलकुलेशन के लिए आप कैलसी यूज कर सकते हो, दिस इज अलाउड टू यू, ठीक है। सो इसको आप डिवाइड करेंगे तो इतने नंबर ऑफ शेयर 98.03 ये नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं जो मैंने खरीदे हैं, ठीक है। क्या सबको समझ में आया ये यहां तक? ओके, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स का देखो फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू, तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, ऐसे ये प्रॉपर फॉर्मूला बन, समझ रहे हो? देखो फॉर्मूला कहाँ से बना रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही तो फॉर्मूला बना रहे हैं हम, कुछ नया तो कर नहीं रहे, राइट। तो गाइस तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम्हें ये फॉर्मूलाज नहीं दिए, तुम्हें डायरेक्ट सम दे दिया, डायरेक्ट सम, तुम्हारे टेक्स्ट बुक खोलोगे ना तुम्हें फॉर्मूला की लिस्ट दिखेगी ही नहीं तुम्हें, तो इस वजह से मैं तुम लोगों को क्या बता रहा हूँ गाइस कि मैं जो दिख के दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइन। चलो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं गाइस, लुक वेरी वेरी केयरफुल इनटू दिस। अब जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, ओके, फोर्थ चीज पे जाते हैं, ओके। अब मैं तुम्हें कुछ और चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइस, तो सब लोग प्लीज उसके लिए ध्यान देना। अब फिलहाल ये एजेंट वेजेंट निकाल देता हूँ, एजेंट विनोद, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जगह लगेगी लिखने के लिए, ओके। सो सबसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था मेरा 10,000 का, ठीक है, ऊपर लिखता हूँ मुझे, इन्वेस्टमेंट था मेरा रुपीज 10,000 का, ठीक है, मार्केट प्राइस जो थी वो कितनी थी, 100 रुपीज, पर्सन ब्रोकर मतलब ब्रोकर ने जो मेरे से लिया कितना लिया, 2% लिया, ठीक है, फाइन। अब इम्पोर्टेंट कुछ बात बताने वाला हूँ तुम सब लोगों को, प्लीज इसको अच्छे से समझ लो और उसको जहन में डाल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस जो बताने वाला हूँ। अच्छा, सबसे फर्स्ट गाइस लेट्स टॉक अबाउट डिविडेंड, ये डिविडेंड क्या होता है पहले तुम बताता हूँ, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा डिविडेंड क्या होता है, लेकिन डिविडेंड पढ़ने से पहले गाइस कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो सब लोगों को क्लियर होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है गाइस ये वर्ड्स हमारे लिए, फेस वैल्यू। अच्छा, ये सुना है, ये टर्म सुना है गाइस आप लोगों ने, फेस वैल्यू क्या होता है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस, कितने लोगों को पता है जरा हैंड रेस करें अगर सुना है, फेस वैल्यू कहीं सुनिए, अगर सुनी होगी तो थम्स अप करो, नहीं सुने तो हैंड रेस करो। अच्छा, सुना है, ओके, राधा ने सुना है, स्नेहा तुमने सुना है, ओके ओके ठीक है, फाइन। एनीवन कोई बता सकता है कि फेस वैल्यू का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, किसको पता है क्या फेस वैल्यू मतलब क्या होता है, एनीवन नोस, अनम्यूट करके बोल सकता है, मतलब जो शेयर सब मार्केट प्राइस पे बेचे जाते हैं उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो, ओके ओके फाइन, ओके फाइन। चलो मैं तुम लोगों को डिटेल बताता हूँ, मतलब ये करेक्ट है इसका आंसर, गलत नहीं है कुछ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा और बताता हूँ मैं इसके बारे में। अभी देखो जैसे कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था, देखो ये चैप्टर को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है, देन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंड देन यू कैन रिलेट योर सेल्फ टूवर्ड्स योर सम्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होगी ना तो ये एक ही क्वेश्चन के अंदर ये बहुत सारी चीजें आने वाले साथ में, ठीक है, ओके। एनीवेज मैं आपको बताता हूँ फेस वैल्यू क्या, जैसे कि चलो मेरी कंपनी है ये, ठीक है, दिस इज माई कंपनी,
ठीक है। ये जो मेरी कंपनी है गाइज यहाँ पे, तो कंपनी क्या बोलती है कि मेरा ठीक है बिजनेस अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल, तो मेरे हिसाब से मुझको, वो बोलेगा मेरे हिसाब से मुझे मेरे शेयर जो है मुझे बेचने हैं मान लो 20 रुपए में। कितने में बेचने? मुझे 20 रुपए मुझे अपने शेयर बेचने। बट जब वो मार्केट में जाता है गाइस वहां पे बोली लगती है ठीक है, तो 20 रुपए से कम भी हो सकते हैं या तो 20 रुपए से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो 50 रुपए हो। तो ये जो कंपनी डिसाइड करती है ना वैल्यू, इसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। समझ रहे हो आप सब गाइस? हैव यू गॉट दिस? ठीक है, तो जो कंपनी डिसाइड करती है वैल्यू ठीक है वो होती है फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस जब वो शेयर मार्केट में चले जाता है ठीक है, जब हमें बोली वगैरह लगती है तो उस वक्त पे उसकी मार्केट प्राइस होती है। अभी वो मार्केट प्राइस तुम्हारी कम भी हो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फेस वैल्यू जो कंपनी डिसाइड करेगी ना वो 5 साल तक सेम ही रहेगा तुम्हारा, कुछ चेंज नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है फाइन, अब क्वेश्चन आता है तो सब लोग को फेस वैल्यू के बारे में समझ गया ठीक है। तो मान लो मेरे कंपनी का फेस वैल्यू ₹50 है, 50 रुपए ठीक है, लेकिन ये कस्टमर को क्या फायदा है मैं आपको बता देता हूं मैं ठीक है, ध्यान से सुन लो अच्छे से। ओके नाउ, जब भी मैं शेयर्स बेचने जाऊंगा, जब भी मैं शेयर्स बेचने जाऊंगा मैं ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने जो डिसाइड की है वैल्यू उस पे प्रॉफिट डाल के अपने को देगी रिटर्न पैसा। इस पे नहीं मिलेगा अपने को ये, चाहे वो 200 भी हो जाएगा ना बेचने के बाद, जब बेच देंगे हम शेयर्स वगैरह तो ऊपर का जो पैसा आएगा अपने को तो मिल जाएगा ठीक है, लेकिन कंपनी भी अपनी तरफ से पैसा देती है। क्यों? क्योंकि हमने ट्रस्ट करके कंपनी पैसा डाला हुआ है ना वहां पे, रखा है हमने बहुत साल तक, तो वो जो बेनिफिट मिलता है वो कंपनी हमें देती है, शेयर्स बेचने के बाद आपको मिलता है वो कंपनी देती है ठीक है। तो कंपनी किस पे देगी आपको? फेस वैल्यू पे देती है वो ठीक है, तो वो होता है फेस वैल्यू ठीक है। नाउ अब आते हैं बात पे डिविडेंड, जो यहाँ पे लिखा होगा डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट। डिविडेंड मतलब क्या होता है आपका? प्रॉफिट होता है, मतलब सपोज कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा कंपनी बोलेगी कि भाई आप जब शेयर बेच दोगे ना तो मैं आपको 10% का प्रॉफिट दूंगा, 10% का आपको मैं प्रॉफिट दूंगा, जितना मेरा बिजनेस हुआ है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10% का प्रॉफिट दूंगा। कि लेकिन 10% का प्रॉफिट किस पे दूंगा मैं? फेस वैल्यू पे दूंगा, इस पे नहीं मिलेगा हमें 10% का प्रॉफिट। किस पे मिलेगा हमें? फेस वैल्यू पे 10% का प्रॉफिट मिलेगा। सबको समझा? डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट, और वो हमें कंपनी देती है बेचने के बाद। जब शेयर तुम बेच दोगे ना तब कंपनी तुम्हें प्रॉफिट ऐड करके पैसा देती है। तुम्हें समझा है मैं क्या बता रहा हूँ गाइस? कुछ कुछ डाउट है गाइस? कुछ डाउट होगा तो प्लीज बी फ्री एंड आस्क। सर हाँ पूछो पूछो पूछो। सर फेस वैल्यू पे हमें वो लोग प्रॉफिट देंगे क्या? हाँ फेस करेक्ट 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 करेक्ट, इस पे मिलेगा। अगर अभी मैं 10% दे रहा हूँ, 10% किस पे दूंगा? इस पे दूंगा, इस पे नहीं मिलेगा मुझे वो मार्केट में तुम कुछ भी, वो 1000 रुपए भी होगा जाएगा जो हो जाएगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कंपनी बोलेगी कितना फेस वैल्यू है मेरा तो उस पे तुम्हें मिलेगा। तुम्हें समझ में आई है? ठीक है फाइन, अभी सुनो। लेकिन वो पैसा कब मिलेगा? जब तुम अपने शेयर बेच दोगे मार्केट में, व्हेन यू सेल आउट योर शेयर्स, उस वक्त पे तुम्हें वो पैसा मिलेगा। ठीक है फाइन। सो अब यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड निकालना है हमें। डिविडेंड मतलब कंपनी कितना पैसा देगी मुझे वो निकालना है मुझे। ठीक है सो डिविडेंड इक्वल्स टू, ठीक है डिविडेंड इक्वल्स टू क्या आएगा? 10% ऑन 50 रुपीज ऐसे। तो मतलब क्या आ जाएगा? 10/100 आएगा, इंटू आ जाएगा 50, ये कट करेंगे और आ जाएगा ₹5 आ जाएगा। मतलब मुझे कंपनी ₹5 देगी हर एक शेयर पे देगी, लेकिन ₹5। मैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे? इतने खरीदे ना, तो हर एक शेयर पे मुझे ₹5 देगी। तुम लोगों को समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ गाइस? हर एक शेयर पे कंपनी मुझे ₹5 देगी हर एक शेयर पे। तो मतलब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू, दैट इज क्या है वो, पर्सन डिविडेंड
इनटू फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू। और याद रखो फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू भी होती है, उसको बहुत सारे लोग फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू ही बोलते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना कि नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या होता है, ठीक है, इज नथिंग बट वो फेस वैल्यू ही होती है। ओके, सो ₹5 देगी मुझे हर एक शेयर पे, नंबर ऑफ शेयर वो कंपनी कितने खरीदे, मैंने 98.03 खरीदे, मतलब हर एक एक शेयर पे मुझे ₹5 मिलेंगे। तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे अगर हर एक शेयर के साथ कैलकुलेट किया तो, यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेट करूं, देखो फिफ्थ वाला पॉइंट, ठीक है, टोटल डिविडेंड अगर हम कंसिडर करें तो क्या आएगा यहाँ पे, डिविडेंड जो वैल्यू आई डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमारा फॉर्मूला भी बनता है। हाँ, सो डिविडेंड मतलब कितना डिविडेंड, ₹5 डिविडेंड है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना 98.03 है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे मैंने, तो तुम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो ₹5 के साथ और कंपनी तुम्हें देगी ₹490.15 जो भी होगा तुम्हारा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट बनता है, दैट इज टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या आएगा, डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, फाइन, ओके, यह भी गो। सर बोलो सर, पर जब हम हमारे शेयर सेल करेंगे तभी डिविडेंड मिलेगा क्या? हाँ तब मिलेगा, जब तुम बेचोगे, जब तुम बेचोगे तब तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, तुम्हें समझाइए। ओके, अब आगे क्या कहानी सुनो गाइस, अब कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट क्या है तुम्हें बताता हूँ मैं, कहानी में ट्विस्ट ऐसा है गाइस कि उसने, मैंने अपने शेयर्स जो खरीदे थे मैंने, वो मैंने कुछ टाइम तक रखा, मान दो मैंने 1 साल तक रखा, और मैंने देखा कि भाई जो ₹100 के जो मैंने शेयर्स खरीदे थे वो ₹80 के हो गए, मतलब कम हो गए, तो मैंने बोला भाई बहुत लॉस में चले जाऊंगा तो क्यों ना भाई बेच दूं मैं इसको, जितना पैसा आ रहा कम से कम उतना तो पैसा है मेरे पास, तो वो ₹80 हो गए उसके शेयर्स के, तो मैंने बोला भाई ठीक है भाई बेच दे बेच दे बेच दे, तो मैंने क्या किया वापस से एजेंट को पकड़ा, मतलब सेलिंग प्राइस जो थी वो शेयर की ₹80 होगी, ₹80 हो गए सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो मैंने वापस से एजेंट को पकड़ा, मैंने बोला भाई तू बेच के दे मेरी लग गई है पूरी, ठीक है, तो वो बोला ठीक है मैं बेच के दूंगा लेकिन वापस से 2% लूंगा मैं बेचने का, मैं बोला ठीक है भाई ले ले तेरे 2%, तो मैंने वापस से ब्रोकर को 2% दिए, ठीक है, ब्रोकरेज पेड कितना 2% आया, तो ₹80 के शेयर्स 2% ब्रोकरेज पेड को, मतलब किस पे 2% लगेगा मुझे ₹80 पे लगेगा, ठीक है, सो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो मेरे पास, तो ब्रोकर पेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2% ऑन ₹80 आ जाएगा, तो मतलब इधर क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2/100 इनटू क्या आ जाएगा 80, एक कट और कट करो, ठीक है, ये 2 × 61.6 मतलब ब्रोकर को एक ₹1.60 गए, ब्रोकर को ₹1.60 गए पर शेयर पे उसको, तुम्हें समझ में आई है, फाइन। तो अब एकदम सिंपल लॉजिक गाइस, एकदम सिंपल मुझे बताओ, ₹80 के तो भाई शेयर्स बेचे मैंने, ₹80 के क्या किया मैंने, शेयर्स बेचे मैंने, ठीक है, फाइन, अभी हाँ देखो ₹80 के तो मैंने शेयर्स बेचे यहाँ पे ₹80 के, ठीक है, उसमें से भी गाइस म्यूट रखो प्लीज, सुनो अच्छे सुनो, ₹80 के तो भाई शेयर्स बेचे मैंने, उसमें से भी जो पैसे आए ना मेरे पास ₹80 में से, उसमें से एक ₹1.60 तो भाई मुझे ब्रोकर को पे करना पड़े, तो भाई मेरे हाथ में आए कितने पैसे, तो मतलब देखो यहाँ पे और एक फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास यहाँ पे, दैट इज सेलिंग प्राइस अगर है और ब्रोकर आता है तो परसेंटेज ब्रोकरेज पेड ऑन सेलिंग प्राइस ऐसा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे
चेक करोगे 6, दिस इज 7 वाला पार्ट, ठीक है। तो मतलब देखो 80 रुपीज के शेयर जो बेचे मैंने वो मुझे पैसे मिले 80 रुपीज, उसमें से निकाल के मैंने 1 रुपए 60 पैसे ब्रोकर को दे दिए मैंने, समझ में आया। सो मतलब मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है जो आए थे भाई 80 रुपए, उसमें से भी 1.60 ब्रोकर लेके गया ना भाई, तो मेरे हाथ में बचा कितना पैसा जितना था। तो क्या करना पड़ेगा, 80 माइनस 1.60 कितना, 78.4। तो 78.4 रुपीज ही बचे मेरे पास, समझ में आया। तो एक शेयर, एक एक शेयर मैंने 78.4 रुपीज के हिसाब से बेचे मैंने। तुम लोगों को समझ में आया गाइस मैं क्या बता रहा हूँ? बोलो 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 सर, वो 1.60 पर शेयर के ऊपर है ना, पर शेयर पे। तो हमने एक शेयर का निकाल लिया ना, एक शेयर कितने में मेरे हाथ में आया, 78.40। अब करेंगे ना मल्टीप्लाई इसको, 98 सारे शेयर बेचे ना मैंने, 19.03 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टोटल अमाउंट जो आई है वो पता चलेगा ना हमारे पास कितने पैसे आ गए बेचने का, अभी करेंगे, ठीक है। फाइन, चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ गाइस। देखो अभी फिलहाल मेरे पास जगह नहीं है फॉर राइटिंग इट आउट, इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए फॉर्मूला है, ठीक है, जो तुम्हें लिस्ट ऑफ फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट मैं तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, तो जब तुम्हें रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा पर्सनली तो तुम ये पूरा सम कॉपी कर सकते हो फिर एक साथ में। अभी फिलहाल मैं इरेज कर रहा हूँ, सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आई सेंड इट टू यू, डोंट वरी। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तुम्हारे बुक में होना चाहिए जब मैंने एक सम की तरफ जाऊँ, ठीक है। ओके, अब देखो सबको ये पूरा सिनेरियो समझ में आया है, टोटल मेरी कहानी सबको समझ में आई है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ से इरेज करता हूँ इसको और यहाँ से मेरी सेकेंड पार्ट ऑफ कहानी शुरू करता हूँ। देखो अब मेरे साथ क्या होता है आगे। ओके, तो यहाँ पे सेवेंथ पॉइंट जो आता है मेरे पास, ठीक है, सेवेंथ पॉइंट में क्या आता है, दैट इज सेलिंग प्राइस जो आ जाएगी, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस क्या आ जाएगा, ब्रोकरेज पेड, जो बेचने का पैसा उसके लिए आता है, ठीक है। अब आता है मेरे पास नथिंग बट दैट इज सेवेंथ एट वाला पार्ट आता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, अब जो पैसा एक शेयर 78.4 में मिला है, अब मैंने क्या किया, सारे के सारे शेयर बेच दिए भाई, नहीं चाहिए भाई, बहुत लॉस में गए भाई, बेच दे भाई, तो मैंने बेच दिए। तो मैंने क्या किया, वो सारे शेयर बेच दिए मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट रिसीव्ड सेलिंग के बाद जो आया है, तो एक है, एक नंबर ऑफ शेयर कितने 98.03 है और एक की सेलिंग प्राइस 78.4 है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इनटू दिस इज 98.03 है, तो आया है मेरे पास इतना पैसा 6.55, ठीक है, इतना लिख लेते हैं, ठीक है। सो मेरे पास एट वाला फॉर्मूला जो आएगा यहाँ पे, विच इज नथिंग बट अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। देखो इससे बना रहे हैं फॉर्मूला, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ओके, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या बोला था कि भाई हमें डिविडेंड कब मिलेगा, कब मिलेगा, बेचने के बाद, जब मैं बेचूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डिविडेंड। तो मैंने बेच दिए ना, तो इसके अंदर क्या करे कंपनी, बोले कि ठीक है भाई 490 रुपीज 0.19 जो भी है उसके अंदर एड करके आपको अमाउंट दे देते हैं, ठीक है। सो मुझे टोटल अमाउंट जो रिसीव होती है, टोटल अमाउंट जो रिसीव होती है वो क्या होती है, 7685.55 प्लस 490.19, ठीक है। तो आप जब ऐड करोगे इसको प्लस दिस इज 490.19, तो आता है मेरे पास कितना पैसा आता है, 8175.742, ठीक है। सो इतना पैसा आता है मेरे पास, तो मुझे लगता है कि ठीक है भाई लॉस तो हुआ है पर 1200 का ज्यादा लॉस नहीं हुआ या 2000 के आसपास का, तो क्योंकि वो डिविडेंड हमें ऐड करके आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला नाइन्थ वाला जो लगता है, नाइन्थ वन जो फॉर्मूला लगता है, दैट इज टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू अमाउंट प्लस डिविडेंड। सबको समझ रहा है ये,
वी गॉट दिस, ठीक है, ओके. एंड आई जस्ट वांट टू टेल, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग. ये टोटल डिविडेंड जो है ना गाइस, इसको बहुत सारे लोग इनकम भी बोलते हैं. भाई इनकम कितनी हुई ये भी याद रखना आपने. ये इनकम वर्ड आता है बहुत बार. अगर पूछा भाई इनकम क्या है, इनकम मतलब भी क्या होता है, टोटल डिविडेंड होता है. तो वहां पे कंफ्यूजन कंफ्यूजन ना मत रखना बिल्कुल भी, ठीक है, ओके. अब एक लास्ट एक फॉर्मूला है जो हम ये सब में नहीं ले सकते फिलहाल. इसे हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं परसेंट प्रॉफिट बोलते हैं, या तो फिर रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं. मतलब ये कब इस्तेमाल, तो बताता हूँ मैं. ये तब इस्तेमाल होता है जब सपोज मैंने 10,000 रुपीज सर एक कंपनी में डाले, 10,000 ये कंपनी में डाले, ठीक है. तो चेक करने के लिए भाई किसका प्रॉफिट ज्यादा आया हुआ है मेरे पास, वो चेक करने के लिए रेट ऑफ रिटर्न का भी इस्तेमाल किया जाता है. तो उसका फॉर्मूला क्या बताता हूँ मैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, ये तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है. तो ये है हमारी आज की कहानी, ठीक है. क्या तुम लोगों को सब समझ में आया है क्या, कंप्लीट डिटेल में अच्छे से पूरा पूरा अच्छे से एकदम टोटली, ओके. तो गाइस आई वांट यू ऑल कि आप सब लोग सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करें, ठीक है. सम कॉपी करने की जरूरत है बिकॉज हम क्वेश्चन तो बहुत सारे लेने वाले आगे. मैं आज ही तुम लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड कर लूंगा, तो कल अच्छे से बैठना है, वापस से रिविजन करना है, तो रिकॉर्डिंग देख लेना अच्छे से. तो ये सम भी अगर किसी कॉपी करना है तो कॉपी भी कर लेना बाद में इसको, ठीक है. इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन डू दैट आल्सो. तो अभी के लिए फिलहाल सबने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करना है, यहाँ तक 10 फॉर्मूले टोटल. लेकिन ये फॉर्मूला भी तुम्हें बता दिए मैंने कैसे आए हुए, राइट. हमने क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूला बनाए हुए. अगर मैंने तुम लोगों को पहले फॉर्मूला दे दिया होता और बाद में सम सिखाया होता तो प्रोबेबली 50-50 चांस तुम लोग रिलेट कर पाते थे. लेकिन हमने ये सारे बेसिक चीजें किए गाइस, मतलब बेसिक चीजें किए और उसके थ्रू हमने फॉर्मूला बनाया. तो आप एग्जामिनेशन में कभी फॉर्मूला भूलोगे ही नहीं आप, ठीक है, क्योंकि आपको उसका मेन कॉन्सेप्ट याद है. हमने उस पर ही हमें एम्फसाइज करना है ज्यादा, ओके, ठीक है गाइस. तो लिख लो ये फटाफट तुम्हारे बुक के अंदर, नोट डाउन कर लो फॉर्मूला, सिर्फ नोट डाउन करना 1 से लेकर 10 तक, ओके, पुट इट डाउन गाइस.